हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सबका। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के एक जो लॉन्च होने वाला है फ़ोन, उसके बारे में। उसके साथ ही साथ फीचर्स क्या आने वाले हैं, कीमत क्या होने वाली है। फ़ोन तो वैसे ही बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि सैमसंग हमेशा से ही फ़ोन अच्छे ही फ़ोन लॉन्च करता है। अब वो बात अलग थी, J7, J2 वगैरह ये कबाड़ था भाई। आप देख सकते हैं फोल्डिंग में फ़ोन है सैमसंग का, सादा में फ़ोन है, बहुत सारे तरीके के फ़ोन हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स वगैरह कई एक ऐसे मॉडल्स भी हैं जो 1.5 से 2 लाख रुपए तक सैमसंग प्रोवाइड करवाता है, और वाटरप्रूफ भी होते हैं सैमसंग के फ़ोन, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं, जो लॉन्च होने की तैयारी कर रहा है फ़ोन को, सैमसंग गैलेक्सी A66, ठीक है। इस फोन को बहुत जल्द मार्केट में देखा जाएगा। इस पर बात करने से पहले भाई, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूं, कुछ अच्छा आपको बताने की कोशिश करता रहता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई इस फ़ोन में सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि हमको मिलने क्या क्या वाला है। एक्चुअली फ़ोन तो आएगा, जो भी कीमत कंपनी डिसाइड करेगी वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा लगभग क्या कीमत होने वाली है, लेकिन फ़ोन के अंदर फीचर्स क्या मिलने वाले हैं इस फ़ोन में हम लोगों को, और इसे फ़ोन को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, और ये कब तक आ जाएगा मार्केट में, बहुत जल्द, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस सैमसंग की। इस स्मार्टफोन में लगभग 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलने वाली है भाई। क्या होता है कि फुल और हाफ में अंतर होता है भाई, जो नीचे ब्लैक पट्टी छूट जाती है, जैसे वीवो Y20 आपने देखा है, ये फुल नहीं है, ठीक है। तो इस फ़ोन में फुल HD डिस्प्ले मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद 120Hz का रिफ्रेश रेट, आपको पता होना चाहिए तक जब 20,000 प्लस फ़ोन होता है, 20,000 से ज़्यादा का फ़ोन होता है, तब 120Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देता है, जो कि डिस्प्ले चिपके नहीं। जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं, कोई भी काम डिस्प्ले पे करते हैं, तो भाई रुकना नहीं चाहिए डिस्प्ले, HZ ये इसी काम के लिए, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। उच्च गुणवत्ता की तस्वीर खींचेगा भाई, कैमरा अच्छा होने ही वाला है इस फ़ोन का, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते स्मार्टफोन। और ये एंड्रॉयड की अगर बात करें तो भाई 14, ठीक है, 14 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्टा क्योर कॉरलैक्स A78 प्रोसेसर भी इसमें शामिल किया गया है। इस स्मार्टफोन में 120 वाट का चार्जर दिया जाएगा, जो कि फ़ोन को तकरीबन 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज करके देने वाला है भाई। और इस फ़ोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी 5000 mAh की होने वाली है, काफ़ी अच्छी चलेगी, ठीक है। और इसमें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी होने वाला है, और मैं आपको बता दूँ सैमसंग के इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोसेसर हो चुका है, बैटरी हो चुकी, चार्जिंग हो चुका, डिस्प्ले भी हो चुका है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कैमरा क्वालिटी की। कैमरा जो मेन कैमरा मिलने वाला है वो हम लोगों को 108 MP का मिलेगा, उसके साथ साथ पीछे 3 कैमरा मिलने वाले हैं। दूसरा सेंसर के लिए मिलेगा 16 MP का, और तीसरा मिलेगा 8 MP का, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 48 MP से 18 MP तक मिलने वाला, अभी तक डिसाइड भाई इस पर नहीं किया गया, डैश लगा के रखा तो उन लोगों ने 18 से 48 जो कुछ भी है उनकी न्यूज़ में, ठीक है। पिक्सल के साथ इस कैमरे को लॉन्च किया जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A66 में, रॉयल स्मार्टफोन भाई। कैमरा क्वालिटी के साथ साथ ये फ़ोन पकड़ने से लेके हर चीज़ में नंबर 1 होने वाला है। सैमसंग के इस स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो ज़्यादा महंगा नहीं होगा, क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन। 2023 तक भाई लॉन्च, मतलब 2024 तक भाई, सॉरी यार, जनवरी तक ये हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्द आने की संभावना है, ये जनवरी तक लगभग आ ही जाएगा। और इस स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात की जाए, ये लगभग 25 से 26 हज़ार के बीच होना चाहिए। सैमसंग का फ़ोन है तो भाई थोड़ा तो कॉस्टली होने ही वाला है, और जो लुक दिया है, अगर ये सेम लुक पे आता है तो ये 30,000 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर स्टोरेज और उसकी बात की जाए तो 6128 में और 12256 में भी मिलेगा भाई, और अभी इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते इस फ़ोन के बारे में। तो चलिए कोशिश करते हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब ये लॉन्च हो जाएगा तो डिस्काउंट भी बहुत तगड़ा होता है भाई। मैं हर वीडियो में बताता हूं, जो भी फ़ोन लॉन्च होता है उसे कम से कम कीमत में कैसे खरीद सकते हैं, बहुत तगड़ा डिस्काउंट कैसे मिल सकता है आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।